नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरी न्यूड में। तो दोस्तों, आपको इसमें बताने वाला हूँ कि अपने फेसबुक प्रोफाइल को कैसे आप लॉक कर सकते हैं, और यदि आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। यानी कि अपने प्रोफाइल को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं, जो भी आपका जो भी पर्सनल फोटो या फिर अपनी डिटेल्स है वो नहीं देख पाएगा जब तक आपका फ्रेंड नहीं रहे। तो यहाँ पर चलिए बताता हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसमें सभी जानकारी को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपको भी जाना है तो मेरी वीडियो के साथ लेकर तक बने रहेगा। दोस्तों, आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर के यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया जरूर जाकर यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार के, यदि आपको अपने प्रोफाइल को लॉक करना है यानी कि उसको लॉक करना है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है सभी चीज़ें नहीं देख पाए कोई भी, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको फेसबुक पर जो भी है यहाँ पर आपको थ्री डॉट मिल जाएगा, या फिर देख सकते हैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल है यहाँ पर लॉक करने का प्रोसेस। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं व्यू एस के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक प्रोफाइल, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लॉक प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है क्या क्या आपका लॉक होगा। यहाँ पर ओनली फ्रेंड्स, वी सील, फोटोज एंड पेट्स जो भी है स्टोरी है वो देख सकते हैं। यहाँ पर इससे पब्लिक में क्या है, ओनली फ्रेंड्स एंड सी योर फोटो की जो फुल साइज है, पिक्चर्स की जो कवर है वो देख सकते हैं। यानी कि आपको जो लोग प्रोफाइल को करेंगे तभी आपके जो भी पर्सनल फ्रेंड्स है, पीपल्स हैं, यानी कि फ्रेंड्स हैं, पीपल नहीं देख पाएंगे, ठीक। यहाँ पर इससे पीपल केवल आप क्या कर सकते हैं, केवल आपने पीपल आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सिर्फ आपका नाम सर्च करके आपको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सिर्फ यही काम आप कर सकते हैं। और भी चीज़ जाननी चाहिए तो यहाँ पर आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि योर लॉक प्रोफाइल, यहाँ पर लॉक योर प्रोफाइल, यहाँ पर मेकअप फोटोस एंड वीडियोस एंड प्राइवेट, यानी कि आपको स्टेप सब कुछ यहाँ पर आपको प्राइवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर योर प्रोफाइल योर लोकेड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो योर प्रोफाइल यहाँ पर लोकेट लिख जाएगा, जो भी आपको सर्च करेगा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, केवल आप फ्रेंड रिक्वेस्ट फॉलो कर सकता है, नहीं आपकी प्रोफाइल और नहीं आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर ये इसका सुविधा है। और मान लीजिए दोस्तों, यदि आपका फेसबुक प्रोफाइल लॉक हो चुका है, उसको आप अनलॉक करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर से अनलॉक प्रोफाइल पर, तो आपको अनलॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि इनवाइट में से यहाँ पर जैसे योर लॉक्ड प्रोफाइल, यहाँ पर बोल रहा है कि योर लॉक प्रोफाइल पोर्ट्स योर प्राइवेट, यानी कि आपका जो प्रोफाइल लॉक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या क्या बताएगा, जो भी वही प्रश्न वही डिटेल्स है, जो आपकी फोटोज नहीं देख सकता है, केवल आपको सर्च करके आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना है तो आपको यहाँ पर नहीं सी योर प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, अनलॉक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अनलॉक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनलॉक प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पर जो भी आपकी प्राइवेट है, जो जबकि प्राइवेट हुई है वो यहाँ पर उसका डेट दिखा देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनलॉक योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ कि आपकी जो प्रोफाइल है, योर प्रोफाइल अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर जैसे इससे यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ से ऐसे आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, उसको कैसे यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सभी जानकारी बता दिए। यदि आपको इसे संबंधित मन में कोई भी दिक्कत या कोई क्वेरी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट होता है तो जरूर नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में या फिर नीचे रिप्लाई देकर आपको समझाने का जरूर कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।